फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहां पे देखेंगे सातवें पे कमीशन मई 2024 खुशखबरी, डीए भत्ता 50% बढ़ा, मिलेगा ये नया लाभ। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो। देखेंगे सातवें पे कमीशन मई 2024 हाल ही में हुए इस अहम बदलाव से केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता डीए 50% तक बढ़ गया है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 4% की दर से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए जो है सहायता राशि भी 4% बढ़ाकर 50% कर दी है। और प्रेस सूचना यहाँ पे देखेंगे BIB के माध्यम से हालिया घोषणा से देश भर के लाखों लोगों को राहत मिली है। और इस बदलाव को बता दें कि केंद्र सरकार के लगभग 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। और ऐसा कदम सीधे तौर पर प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के आर्थिक परिदृश्य के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें पे कमीशन 2024 खुशखबरी, डीए भत्ता 50% बढ़े, मिलेंगे नए लाभ, क्या है। अब देखेंगे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश OM में बकाया मूल वेतन वृद्धि के संबंध में 6 प्रमुख मुख्य बिंदु हैं जिन्हें समझने के लिए बेहद ही ज़रूरी है आप लोग को। पहले में नंबर पे है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, 1 मई 2024 से उनका महंगाई भत्ता मूल वेतन के 46% से बढ़कर 50% हो गया। और यह सैलरी आपको सातवें पे कमीशन द्वारा निर्धारित वेतन संरचना में आपके लेवल के मुताबिक मिलती है और इसमें विशेष वेतन जैसी कोई भी अतिरिक्त सुविधा शामिल नहीं है। डीए जीवन यापन की लागत में मदद के लिए दी जाने वाली एक अतिरिक्त राशि है, लेकिन यह आपके सामान्य वेतन में शामिल नहीं है। जब आपके डीए की गणना की जाती है तो 50 पैसे या अधिक के अंश को निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाता है। 50% पैसे से कम के पार्टर्स की गणना नहीं की जाएगी। डीए बढ़ोतरी डीए एरियर के कारण आपको मिलने वाले अतिरिक्त राशि का भुगतान मार्च 2024 का वेतन मिलने तक नहीं किया जाएगा। और ये नियम जो है सेना कर्मचारियों पर लागू होता है, लेकिन सैन्य और रेलवे कर्मचारियों पर इसका बल संबंधित मंत्रालयों से अलग निर्देश मिलेंगे। तो दोस्तों, सातवें पे कमीशन में ही 2024 भी बात कर लिए है क्यों आवश्यक है, तो ये जो है उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में मदद करने के लिए अधिक पैसा मिलने जैसा है। और क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, इसका मतलब यह भी है कि उन्हें वेतन के साथ साथ अन्य लाभ भी शामिल हो सकते हैं और वे जो है अपने पैसे के बारे में बेहतर महसूस कर सकेंगे। तो दोस्तों, सातवें पे कमीशन की बात करें तो सातवें पे कमीशन 2024 डीए बढ़ाने से होगा फ़ायदा। अब देखेंगे डीए का सिलेक्शन आपने कर लिया है, जिसका उम्मीद चुनाव कर लिए हैं आप। जब महंगाई भत्ता डीए 50% से बढ़ जाता है तो कुछ विशेष भत्ते बढ़ जाते हैं और इसके केंद्रीय
कर्मचारी बेहद ही खुश हैं। सबसे पहले बढ़ता है मकान किराया भत्ता, जैसा उन लोगों के लिए होता है जो किराए पर रहते हैं। फिर शिशु शिक्षा भत्ता भी बढ़ जाता है और इससे जो है बच्चों को पढ़ाई के लिए काफ़ी किराए पर रहते हैं और शिशु के बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे मिलता है और बच्चों के देखभाल के लिए बता दें कि मिलने वाले विशेष भत्ता भी बढ़ जाता है और इससे जो है बच्चों को देखभाल में अतिरिक्त सहायता मिल जाता है। अगर आपका तबादला किसी दूसरे जगह हो जाता है तो परिवहन भत्ता भी बढ़ जाता है और उससे जो है अपना सामान दूसरी जगह ले जाने के लिए अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सेवा और हर चीज़ का जो है व्यवस्था है और इसमें आप काम करना बंद करेंगे तो आपके पैसे भी अधिक पैसे बचेंगे। अब जब आपका परिवेशक यानी भत्ता बढ़ता है तो आपको अपनी वर्दी के लिए विशिष्ट कपड़े खरीदारी करने तो यात्रा व्यय के लिए अधिक धन भी मिलता है, आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि चैनल लगातार बने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।